रिसेंटली सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें भारत ने हथियार इंपोर्ट करने यानी विदेशों से परचेज करने वाले देशों में तो टॉप किया था, लेकिन हथियार एक्सपोर्ट करने वाले यानी विदेशों को बेचने वाले टॉप 10 देशों में भी भारत का नाम नहीं था। अब क्योंकि बाकी देश ऑलरेडी ह्यूज क्वांटिटी में आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट एक पॉइंट के ऊपर आकर सीज हो गए हैं या फिर बढ़ नहीं रहे हैं। भारत सरकार ने देश के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का डेटा संसद की पटल के ऊपर रख दिया है। डेटा बताने से पहले आपको बता दूं कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स में डिफेंस से संबंधित न सिर्फ हथियार बल्कि उसके कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स भी आते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर में मार्च 6 तक भारत ने 13,399 करोड़ रुपीज के हथियार अभी तक एक्सपोर्ट कर दिए हैं। इसके साथ ही नंबर ऑफ कंट्रीज जिनको हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं वो भी पिछले 5 सालों में बढ़कर 84 तक पहुंच गई है। यानी दुनिया भर में 84 देश ऐसे हैं जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोई ना कोई डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन या उसका कंपोनेंट आज की डेट में भारत से खरीदते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि साल 2017 से 18 में भारत ने 4,682 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट किए थे और आज 5 सालों के बाद यह आंकड़ा 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है उसके कारण जो हमारे यहाँ पर लोकल रिसोर्सेज से डिफेंस आइटम्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो ग्लोबली काफी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हैं, यानी सस्ती पड़ रही हैं, जिसके चलते भारत की एमएसएमईज ग्लोबल सप्लाई चेन में घुस रही हैं और उनको देश के बाहर से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स जो लगातार बढ़ रहे हैं इससे हमारी क्वालिटी और कॉम्पिटिटिवनेस पता चलती है। भारत में जो कंपनीज और एमएसएमईज अब डिफेंस इक्विपमेंट एंड पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतर रहे हैं, तभी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत ने तो किसी दूसरे देश के साथ हथियारों की कोई बड़ी डील तो नहीं की है तो फिर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इतनी तेजी कैसे आ रही है, तो लोगों को बता दूं कि फॉरेन बायर्स भारत से लाइट वेट टॉर्पीडो, फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन, मोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म, टीयर गैस लॉन्चर्स, वेपन सिमुलेटर और फायर राउंड्स जैसे छोटे छोटे डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करते हैं। इसके साथ ही कई सारे डिफेंस कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स भारत से एक्सपोर्ट होते हैं। भारत ने अभी सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, टैंक्स, तोपें, फ्रिगेट्स इन जैसे बड़े बड़े हथियार एक्सपोर्ट नहीं किए हैं, बल्कि विकिपीडिया के मुताबिक हम आर्मर प्रोटेक्शन व्हीकल्स, वेपन लोकेटिंग रेडार, लेदर और क्लोथिंग आइटम्स, पैराशूट, एम्युनिशंस, वेपन्स, स्पेयर्स, एक्सप्लोजिव जैसे छोटे छोटे डिफेंस इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिस तेजी से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एफडीआई आ रही है, भारी देशों की कंपनीज जो भी दुनिया की बड़ी बड़ी टॉप डिफेंस फर्म्स हैं वो भारत की कंपनीज के साथ टाई अप करके भारत में हथियार मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, उससे एकदम क्लियर होता है कि आगे आने वाले सालों में फाइटर जेट से लेकर फ्रिगेट्स, राइफल्स, टैंक्स, तोपें और कई सारे बड़े बड़े हथियार भारत एक्सपोर्ट करेगा और एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में भारत टॉप 5 में भी शामिल हो जाएगा। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स की एक चीज बहुत ही खास ये है कि डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करने वाली मेजॉरिटी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर से हैं और एमएसएमईज हैं। मतलब है कि मोदी सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर को अपनी प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया था वो बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। भारत की कई सारी प्राइवेट कंपनीज अलग अलग हथियारों, फाइटर जेट्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स और कई सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ये सारे कंपोनेंट्स अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन जैसे देशों की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज भारत से खरीद रही हैं, जो भारत की इन छोटी कंपनी से कंपोनेंट्स इंपोर्ट करवा के अपने देश में ले जाती हैं और फिर वहाँ पर असेंबली लाइन में असेंबल करके फाइनल हथियार खड़ा करती हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आप उनको दोबारा वोट देंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।